अगर नहीं जान लगी गाड़ी। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, गाड़ी तो अब आगे नहीं जाएगी। यहाँ कोई तुम्हारा ठहरने का बंदोबस्त है? कहाँ जाओगे? कोई नहीं चाचा, कर लूंगा कुछ। मेरी बात सुनो, अगर बंदोबस्त नहीं है, मैं यहाँ के उर्दू मीडियम का टीचर हूँ, अकेला रहता हूँ। चलो मेरे साथ, और तुम्हारी मेजबानी करके मुझे खुशी होगी। बेटा सोचो मत, आओ मेरे साथ, चलो। आजा आजा। शाबाश, ये अल्लाह है। सुनो, क्या तुमने कभी सरहद देखी है? सरहद के पार अपना घर होता है। कुछ अजनबी सी खुशियां, कुछ अनासा गम होते। थोड़े पराए से अपने, कुछ अपनों जैसे पराए होते। जबकि सरहद के दूसरे पार घायल करने वाला जानी दुश्मन, कांटों वाली पार, खंदकें और पहरेदार। मैं भी आज एक ऐसी सरहद पर खड़ा हूं, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की सरहद। सरहद के इस पार मेरा सब कुछ है, कामयाबियां, कामरानियां, शादमानियां, इज्जत दौलत शोहरत के सुख। मगर सरहद के उस पार घात लगाए बैठी एक दुश्मन मोहब्बत, जिंदा कैद और कफस, रुसवाइयों की खंदक और बदनामियों की खारदार तार। और मैं ढलती शाम के साए तले इस सरहद के बीच खड़ा ये सोच रहा हूं कि वापस लौट जाऊं या मोहब्बत की ये सरहद पार कर लूं। क्योंकि सरहद के इस जानेब मेरा सब कुछ है, जबकि सरहद के उस पार तुम हो।